नागपुर जिले के सावनेर तहसील अंतर्गत केलवत पुलिस स्टेशन की हद में पड़ने वाले मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र इन दोनों राज्य की सतनूर सीमा पर महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मरीजों के चलते सीमा पर नाकाबंदी कर मध्य प्रदेश पुलिस तथा स्वास्थ्य विभाग की जांच चौकियां तैनात की गई। ज्ञात हो कि संपूर्ण महाराष्ट्र सहित नागपुर जिले में दूसरे चरण की कोरोना की उपस्थिति से एक और संपूर्ण प्रशासन हरकत में आया है, तो वही करीबी राज्य मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिलाध्यक्ष द्वारा नागपुर से छिंदवाड़ा पहुंचने वाली नागरिक तथा वाहनों की जांच करने हेतु सतुनगर सीमा पर नाकाबंदी कर जांच चौकियां लगाकर वहां हर नागरिक तथा वाहनों की कड़ाई से जांच कर जिनके पास कोरोना की एंटीजन या आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट है उन्हें ही मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश दिया जा रहा है, जिससे अनेक राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा से सटे नागपुर और छिंदवाड़ा जिले में सदियों से रोटी बेटी की पुरानी परंपरा होने से हमेशा ही हर छोटे मोटे आयोजन सुख दुख में बड़े पैमाने पर आवागमन होता रहता है। पहले चरण के कोरोना काल और लॉकडाउन में भी इस सीमा पर मध्य प्रदेश प्रशासन द्वारा इस सीमा पर कड़े कदम उठाए थे और अब फिर से वही स्थिति बनती नजर आ रही है। कोरोना वायरस के मरीजों की लगातार बढ़ती जा रही है और यदि इस प्रकार चूँकि क्या है छिंदवाड़ा जिला महाराष्ट्र बॉर्डर से लगा हुआ है, यदि यहाँ पे क्या है कि एहतियात नहीं बरती गई तो संभवतः यहाँ भी यह कहना चाहिए महामारी फैलने का जो खतरा बना हुआ है। इस वजह से एहतियात के बतौर ये सब ये श्री माननीय कलेक्टर महोदय की गाइडलाइन की और राज्य शासन के जो दिशा निर्देश है उनके अनुरूप ये सब ये व्यवस्था शुरू की गई है। ये बात तो सच है कि नागपुर जिले में और सावनेर तहसील में बहुत ज़्यादा कोरोना का प्रादुर्भाव हो रहा है। उसका कारण भी यही है कि अपन टेस्टिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसके लिए पेशेंट ज़्यादा निकले। बीच में टेस्टिंग ही नहीं थी तो कोरोना चला गया और लोग थोड़े बिंदास होके घूम रहे थे, नतीजन ऐसा हुआ। और रिसोर्ट में जाए, कई फंक्शन में, शादी फंक्शन में लोग बिंदास घूम रहे थे और बहुत ज़्यादा एक दूसरे में घुल मिल गए तो कोरोना का प्रादुर्भाव फिर से बढ़ गया। सीमा पर लगी जांच चौकी पर पहुंचकर हालत जानने की कोशिश हमारे स्थानीय संवाददाता ने कर वहां उपस्थित अधिकारियों से हकीकत जानी तो वहां उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों ने बताया कि जिन्होंने भी उक्त सीमा से मध्य प्रदेश में प्रवेश पाना है वे अपनी डॉक्टरी जांच के साथ साथ कोविड 19 की एंटीजन या आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट साथ में लेकर ही सफर करे तथा सीमा पर स्थित जांच चौकी पर भी ऑक्सीमीटर तथा बुखार आदि प्राथमिक जांच कर पुष्टि होने पर ही उन्हें मध्य प्रदेश सीमा में प्रवेश दिए जाने की बात कही। इसमें आज की तारीख में 77 गाड़ियां की स्क्रीनिंग की गई। अच्छा। 157 व्यक्तियों की संख्या स्क्रीनिंग की गई और 157 आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। 80 गाड़ियां वापस की गई है मंदिर मेले वाली। उसके बाद में 27 गाड़ियां प्राइवेट कंपनी की स्क्रीनिंग की गई और 50 व्यक्ति की स्क्रीनिंग की गई है प्राइवेट कंपनी की।